हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो इवनिंग से ब्लॉग स्टार्ट करूँ, सुबह से ऐसे ही जो नॉर्मल रूटीन होता है, हनी बनी को स्कूल छोड़ना, फिर टिफिन, यही सब जो सब रहता है, लंच वगैरह, तो वही सब था। इसलिए मैंने और कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया था, तो बस अभी इवनिंग से ब्लॉग स्टार्ट करो। नॉर्मली मैं आपको किचन में मिलती हूँ कुछ ना कुछ डिनर बनाते टाइम, बट आज मेरा किचन से छुट्टी है। जैसे ही कुछ दिनों पहले ब्लॉग में मैंने शेयर किया था कि सब लोग कुछ ना कुछ बनाएंगे जो उनको अच्छा बनाना आता है, माया कुछ बनाएगी, देन भाई कुछ बनाएगा, भाभी कुछ बनाएंगे, तो आज भाभी की बारी है तो वो कुछ बनाएंगे। तो आज ट्यूजडे है तो हम लोग तो नॉनवेज नहीं खाते, वैसे वो घी चिकन घी रोस्ट बनाने वाले थे तो आज तो नहीं खाएंगे, तो आज उन्होंने बोला कि वो डोसा सांभर बनाएंगे, मतलब चटनी, तीन टाइप की कुछ चटनी बनाएंगे एंड डोसा सांबर बनाएंगे, क्योंकि बाकी जो साउथ इंडियन उन्होंने बोला बिस्सी बिल्ली भात एंड दूसरा दूसरा कुछ, तो जीत ने बना के कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तो उन्होंने बोला कि डोसा ही बनाना, तो डोसा बनाएंगे। तो उसके लिए जो उनको थोड़ा बहुत सांबर के लिए या चटनी के लिए जो भी उनको चाहिए, वो भाई और भाभी आज गए हैं नीचे सुपर मार्केट शॉपिंग करने। बस वो लोग आएंगे तो मैं थोड़ा शॉपिंग वगैरह में हेल्प कर दूंगी, बाकी वो सब बनाएंगे। तो आज उनके हाथ का साउथ इंडियन डोसा सांबर चटनी ये सब खाएंगे। तो बस यहाँ पे माया देवी, पूरा माया देवी को बोला गया है इक्वल साइज में काटना, कैसे काट रही थी मूली तो इक्वल, उसका ये लंबा हो गया हाँ। और ये छोटा हो गया हाँ। तो मैं ऐसे करके देख रही हूँ, लाइक you started like this? No, I started like this. Cut from one side. Okay. Then roughly chop. Roughly chop. No, you do this. Oh, ऐसे काटने के लिए बोला गया है माया को सब्जी। माया तू अपने होटल मैनेजमेंट भी इतना नहीं काटती होगी। मुझे वही अच्छा हुआ तुमने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन नहीं किया। तो आज क्या मेनू में क्या है बता दो। डोसा सांबर, मसाला डोसा सांबर, कोकोनट चटनी, ग्राउंडनट चटनी, ग्राउंडनट और एक है प्याज टमाटर का मिक्स, मतलब करके चटनी, रेड चटनी। ओके, वो आवाज कर रहा है, बाद में बात करते हैं। सबका अलग अलग, उसको उनको कीड़ा है कि पूरा सब्जी इक्वल साइज का होना चाहिए, माया को कीड़ा है कि इधर बिना टिश्यू रखे क्यों छिलका रख दिया। तो बोले व्हाई यू वुड लाइक दिस, वो बोले व्हाई यू वेस्टिंग पेपर, क्योंकि ऑलरेडी ये साफ करना ही है। आज मैं किचन में खाली बैठ के वीडियो लूंगी, ये इन दोनों को नाचने दो। क्या कर, माया को देखो बाहुबली 20 लीटर का पानी बॉटल, वो पूरा माया दिखती है सुकड़ बट ताकत देखो। शाबाश, वेरी गुड। मामू इधर फिर से वेइंग स्केल का दिया गया है हनी बनी का स्कूल में, तो मामू बना रहा है, तो बच्चों को इतना चिंता है कि मामू को पानी दे रहे हैं कि मामू पानी पी ले पहले फिर बनाना। पूरा भर के लेंगे, देखो भर के ला रहा है मामू के लिए। देखो ये गिविंग टू मामू, व्हाई हाय व्हाई, मामू इज टायर्ड, गिव टू मामू, गो, नो नो हियर इज मामू, गिव हियर, डोंट कीप देयर, गिव, ओके, गिव, ड्रिंक, थैंक यू। बोले बच्चा, बोले बच्चा, बोले बाबा, बोले कुकु, बोले दोनों। आपको क्या प्रॉब्लम है, वो लगा के बैठी उसको बोले कि खाते हैं कि ये सर्फ एक्सेल से सफेद, आज तक हुआ कभी सफेद हैं? लोग बोलते हैं फेयर एंड लवली लगो गोर, हुआ आज तक कोई गोरा दो जैसा हुआ है वैसे ही ऊपर वाला नहीं बना सेट, तो ये सब कहानी है, इसे कहानियों में मत रखो। हंस भी नहीं पा रही है, फेस पैक लगा बोल रहे हैं, टीवी का रिफ्लेक्शन उसके मुंह पे आ रहा है, बोल के टीवी का रिफ्लेक्शन आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं कर, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, मैं देखो देखो देखो। अरे सबसे अच्छी बात पता है क्या है, लाओ इधर लाओ, ये हनी बनी का बॉटल स्टेनलेस स्टील वाला ना खराब हो गया, मैं इंडिया से मंगवाया था उसमें जंक लग गया, तो वो स्टेनलेस स्टील ही नहीं होगा शायद, जंग लग गया, जंक
ओडिया में बोलते हैं जंक जंक लगे इसने दो पाइप दी हैं। हाँ ये सर, ये तो एक अच्छा है, मतलब ये तो ग्रिप के लिए दिया है बच्चों का। ये जो पाइप गंदा हो जाता है ना, वो तो क्लीन होता है फिर भी पूरा अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। एक्स्ट्रा पाइप, ये एक्स्ट्रा पाइप दिया है। वेरी नाइस। एक्स्ट्रा पाइप, एक्स्ट्रा, हाँ वो भी, वो भी एक्स्ट्रा, पूरा सेट दिया है एक्स्ट्रा एक, वो मुझे सबसे अच्छा लगा। इसने भी बॉटल बनाया, अच्छे दिमाग लगा। फर्स्ट क्राइस से ऑर्डर किया है, 49 ग्राम का भी मिल रहा है। और ये हनी बनी के लिए भी ठीक है, पहले जो था वो बहुत बड़ा था। हनी बनी के लिए ठीक है, वो बड़ा था बहुत, मतलब भारी हो जा रहा था उनका बैग। एल्यूमिनियम कुछ न्यूट्रल है, नॉट वेरी गुड, बट सर्टेन थिंग्स आर आल्सो नॉट गुड। करेक्ट। ओके बस बस बस, हनी बनी ईटिंग पाव एंड व्हाट इज दिस, चॉकलेट सिरप। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप? बढ़िया है। अब अंधेरा अंदर क्यों दिख रहा है? अंधेरा इसलिए लाइट नहीं लगा, लाइट नहीं लगाई। अच्छा, तो मैं 100 बार बोला कि जब भी बैठो लाइट लगा के बैठो। आ देखो कितना वाइब्रेंट और कितना पॉजिटिव है। नो वो यू हैव गेम और नो सत श्री अकाल, तो विल गिव वणक्कम और नमस्कार भी बोल दो। वणक्कम और नमस्कार भी बोला करो, बोल रहे हैं। वणक्कम नमस्कार बोलते हैं। नमस्कार, नमस्कार क्या बोलते हैं? नमस्कार को नमस्कार बोलते हैं। हाँ वो तो हर चीज में, रामा रावणा अर्जुना, तो वो एक्सेंट है ना। हाँ, बाकी तो नमस्कार ही है। वणक्कम ही समथिंग कैन बी एडेड, नमस्कार तो नमस्कार ही है। नमस्कार नमस्कार ही होता है। रामवरम भी तो नमस्कारो तो फिर मैं नमस्कार नमस्कारो नमस्कारा नमक पारो नमक पता चले समोसा थोड़े नमस्कार ही नमस्कार। एंड इसके अलावा वणक्कम कैन बी एडेड, वणक्कम और नहीं पता, बताओ। और सलमान खान से सीख लो बिग बॉस जब दिख रहा है। ये हनी बनी का वेइंग स्केल बन रहा है ना, वो जो बना था ना एक बार, ये स्कूल लेके जाएंगे, ये तो वो उन्होंने तोड़ दिया था, तो इसको इस बार सजा जा रहा है। इसीलिए मुझे पानी नहीं मिलता है, मामू को पानी मिलता है। वो आपने सजाया नहीं था इसलिए उन्होंने आपको पानी नहीं दिया था। पानी देना मतलब इन्होंने बहुत आगे बढ़ के जेस्चर दिया है। हाँ, दिस इज वेरी वेरी नाइस। पूरा पानी, हनी हनी, यू ऑफर्ड पानी टू मामू, वेरी नाइस। बच्चे वेरी नाइस, गिव मी अ टाइटल। मामी बोल रही है कि मैं, सुनो भाभी बोल रही है कि मैं दिन भर खेलती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ और मामू मामू होते रहते हैं। मैं कहा मेरी हालत भी देखो, मैं दिन भर सारा काम उनका करती हूँ, डाडा डाडा होते रहते हैं। क्या इम्पैक्ट, मतलब क्या बच्चों, मतलब हम क्या, हमें क्या क्या समझ रखा है, टेकन फॉर ग्रांटेड। ये दोनों तो है ही नाचने के लिए हमारे पास। देखो 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 देखो, टमाटर, फिर ये क्या बोलते हैं, मूली, गाजर, बीन्स, ड्रमस्टिक और ये छोटे प्याज, ठीक है। नमक हल्दी, नमक हल्दी और सांबर पाउडर। सांबर पाउडर कितना डाला? इसके लिए मैंने 2 स्पून डाला, मतलब 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून। और उसमें करी पत्ता भी ऐड किया, करी पत्ता भी ऐड किया है, और लहसुन और जिंजर, मतलब ये करके कूट के, कूट के। अच्छा, दाल लिया है करीब 2 कप होगा ना? हाँ 2 कप, 2 कप। एंड सब्जी अपने हिसाब से, सांबर मसाला, नमक हल्दी, नमक हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर मैंने मिलाया है, मतलब अगर चाहिए होता है तो, मतलब सांबर मसाले के ऊपर डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा वो धनिया का टेस्ट आता है करके। करी पत्ता एंड वो छोटे प्याज, सैलेड, सैलेड्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सैलेड एंड गार्लिक एंड अदरक। हाँ, इसको अभी सीटी लगाएंगे, 2 सीटी करीब। फिर थोड़ा सा सांबर पाउडर जब तड़का लगाते हैं उस पे चाहिए। अभी बन रहा है वो जो डोसे में रेड वाला चटनी डाल के फिर ऊपर जो डालते हैं आलू ना, तो वो वाला चटनी बना रहे हैं, रेड वाला। तो उसके लिए लिया है सूखी मिर्च, सूखी मिर्च, गार्लिक, फिर गार्लिक चाहिए, सब इक्वल क्वांटिटी में लेना है। तो खूब सारा मिर्च लिया है क्योंकि ये तो तीखा नहीं है, खाली कलर के लिए है। एंड लहसुन, देन इसमें साबुत धनिया, धनिया, देन जीरा करीब 2 बड़े चम्मच, मतलब 3, हाँ मतलब वही 3 बड़े चम्मच, ये तो छोटा स्पून है। देन कड़ी पत्ता, सारी चीजों में कड़ी पत्ता तो डलेगा ही डलेगा, इसलिए पूरा बड़ा सा पैकेट लेके आए।
तो ये जो डोसे के अंदर वो मैसूर डोसा ऐसे होता है ना, कुछ ऐसे डालते हैं ना, मतलब जो भी मसाला डोसा होता है ना उसमें वो रेंचा डालते हैं। अच्छा, तो ये कड़ी पत्ता पानी डालोगे या ऑयल? पानी डाल के उसको ये करना है, ग्राइंड करना है, फाइन पेस्ट करना है। ओके, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करना है पानी के साथ में। तो ये चटनी बनके रेडी है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो वो वाला यूज करना, उससे और भी अच्छा कलर आता है, बट हमारे पास नहीं था तो ये भी ठीक है। सो अभी बनेगा पीनट चटनी। तो उसके लिए यहाँ पे रोस्टेड पीनट्स लिया है, देन इसमें जा रहा है अदरक, ग्रीन चिल्ली, रेड चिल्ली, कड़ी पत्ता, लहसुन, टमाटर, दो तीन लहसुन और टमाटर, थोड़े से देन नमक एंड थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पेस्ट बना लेंगे, देन इसमें तड़का लगेगा। ये बन के रेडी है पीनट चटनी। अभी बनेगा नारियल चटनी बेसिक वाला। तो उसके लिए ग्रेटेड कोकोनट, कड़ी पत्ता, इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च, सब गिरा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, जैसे नई बहू पहली बार रसोई में खाना बनाती हो वैसे। नमक स्वाद अनुसार। ये हो गया नारियल चटनी, बस इसमें भी तड़का लगेगा। तो अभी थर्ड चटनी बनेगी, उसके लिए पैन में थोड़ा सा ऑयल, रिफाइन ऑयल, नॉर्मल, आप कोकोनट ऑयल खा सकते हो तो कोकोनट ऑयल ले सकते हो, है ना, जो साउथ इंडिया में कोकोनट ऑयल ही डालते होंगे शायद। हाँ, मतलब केरला में यूजुअली कोकोनट ऑयल, बट आपके वहाँ पे नॉर्मल रिफाइन ऑयल। नॉर्मल रिफाइन ऑयल। अच्छा, इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों, कड़ी पत्ता, अदरक, लहसुन, गार्लिक, सब मिला देना है, एक साथ ही डालना है। मिर्ची, हरी मिर्च, ये जो छोटे प्याज, सैलेड एंड टमाटर, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, मतलब सॉफ्ट होने तक, टमाटर सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। और अगर चाहिए तो आप थोड़ा सा हींग भी डाल सकते हो। हींग डालो ना फिर, डाल दो, थोड़ा अच्छा लगता है हींग का स्वाद। हींग, तो ये टमाटर सॉफ्ट होने के बाद ना इसका पेस्ट बना लेंगे, देन उसके ऊपर तड़का लगेगा। हाँ, नहीं तड़का नहीं चाहिए इसमें, तड़का नहीं चाहिए, अच्छा, ये पूरा मतलब नहीं कर देना। हाँ हाँ, तो बस मतलब चाहते हो तो कर सकते हो, तड़का लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट खा सकते हो। अच्छा, फिर नमक स्वाद अनुसार इसमें डाल देना। हाँ, नमक डाल के बस इसमें सॉफ्ट होने के बाद पीस लेंगे, दैट्स इट। तो ये हो गया चटपटा, मतलब टमाटर वाली चटनी, ये मस्त है पूरा तीखा तीखा। कम बना है ये सबसे कम बना है, फिर मैं आपको दिखा लूंगी। तो अभी सारे चटनियों में तड़का लगेगा, सेम तड़का ही लगेगा। तो इसमें लिया है रिफाइन ऑयल, सरसों, सूखी मिर्च, हींग, कड़ी पत्ता। तो गाइज, अभी वो डोसे का आलू बनेगा, सिंपल सा जो येलो कलर का आलू बनता है मसाला, तो उसके लिए रिफाइन ऑयल लिया है, उसमें एक चम्मच राई यानी कि सरसों वो ऐड किया है, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, हींग, प्याज स्लाइस अनियन, नमक थोड़ा सा, मतलब ये प्याज के हिसाब से, आलू में ऑलरेडी नमक ऐड किया हुआ है। सो प्याज यहाँ पे भुन गया है, इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हल्दी, देन इसमें ऐड कर देंगे बॉइल्ड आलू। अल्लू अर्जुन का देख देख बॉइल्ड आलू, बस इसको भुनेंगे थोड़ा सा, बस ये बन के रेडी है मसाला, डोसे का मसाला बन के रेडी है। माया अभी जोरदार प्रेशर में है कि मैं कल क्या करूंगी, बोले कैन आई पोस्टपोन। दीदी हर दो मिनट में पूछ रही, बोल रही है मुझे गेट रेडी फॉर टुमारो, गेट रेडी फॉर टुमारो, बोल रही है मैं पोस्टपोन कर दूंगी नेक्स्ट वेडनेसडे तक। वेडनेसडे मेरा बुक दे, मैंने दे दी वो वेडनेसडे टाइम। चिंगुड़ी फिश, गाड़ी का नंबर 420। चलो बस इसको भुनेंगे आलू को, देन रेडी, सब कुछ रेडी है। बस अभी सांबर में तड़का लगेगा एंड डोसा बनेगा। हाँ, चटनी में भी तड़का लगेगा और डोसा बनेगा। मसाला रेडी, इसको थोड़ा सा लिक्विडी कंसिस्टेंसी में रखेंगे तो
मजा आएगा। तो गाइज यहाँ पे सारी चटनी बन के रेडी है, आलू बन के रेडा रेडा चटनी बन के रेडी है, आलू बन के रेडा है ठीक है, सॉरी चटनी बन के रेडी है, आलू भी रेडी है ठीक है। तो ये रहा वो पीनट वाली चटनी, ये रहा जो नॉर्मल कोकोनट चटनी, ये हो गया टमाटर की चटपटा चटनी, एंड ये हो गया बॉम्ब रॉकेट। इसको एक चम्मच खा लोगे तो पूरा भागते हुए चले जाओगे रॉकेट की तरह। एंड ये हो गया रेडी आलू, बस अभी सांभर बनेगा, देन डोसा बनाएंगे खाएंगे। सांभर बॉयल हो गया है एंड इसमें अभी ऐड होगा इमली का पल्प पानी। तड़के के लिए लिया है ऑयल, उसमें राई, मिर्च, कड़ी पत्ता, गार्लिक कुटा हुआ, हींग खूब सारा। देन इसमें जाएगा सांबर मसाला, ऑलरेडी जब बॉईल किया था तब उसमें ऐड किया था, तो इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। इसमें ऐड होगा अभी बॉयल्ड सांग। तो हमने ना ये जो छोटा वाला अनियन है ना, सैलेड्स भूल जाती हूँ, तो छोटा अनियन ही बोलती हूँ, सैलेड्स ज़्यादा ऐड किया था इसलिए, और इसमें तड़के में और प्याज ऐड नहीं किया इसीलिए। और थोड़ा सा अभी पानी बस बॉईल करके ऐड करेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो अभी हम लोग डोसा बना रहे हैं एंड उसके लिए यहाँ पे हम लोग घी का यूज़ कर रहे हैं, घी से बहुत अच्छा स्वाद आता है डोसे में। एंड ये जो रेड कलर की चटनी, जो तीखी वाली चटनी भाभी ने बनाई थी ना, वो यहाँ पे पहले लगा रहे हैं डोसे में थोड़ा सा, एंड बस आलू स्टफ करके ये हमारा डोसा बन के रेडी है। सांभर भी रेडी एंड सारी चटनी भी रेडी। ये हो गया टमाटर की चटनी, देन हो गया ये हो गया कोकोनट चटनी, देन पीनट चटनी। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर कर लिया है। तो गाइज आज भाभी के किचन से गर्मा गर्म डोसा सांभर, तीन टाइप की चटनी एंड हाँ, डोसा का बैटर जो है वो बाहर से ख़रीदा हुआ है, तो इसकी रेसिपी इसलिए हमने शेयर नहीं की है। अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, तो हम जल्दी जल्दी में बना रहे थे, तो आज हमने डोसा का बैटर जो है वो बाहर से ले आए। ठीक है, डन। चलो अभी मतलब अभी एक हो गया प्रेजेंटेशन का, अभी दो तवा इधर लगाएं क्योंकि इतने सारे लोग हैं, तो झटपट झटपट डोसा बनेगा और हम लोग खाते हैं और फिर आपको रिव्यू देते हैं। संग्राम में हमारा मास्टर शेफ का जज, वही बताएगा सब। जीत और भाई एक्चुअली बाहर गए हैं, वो है नहीं, तो वो आएंगे तो वो चखेंगे। तो एक्चुअल टेस्टर गुड, जबरदस्त मस्त चटनी, चटनी सांभर एकदम मस्त, खटा खटा है, सॉलिड है जी। चटनी घर के लोग खा रहे हैं। ये है पीनट वाला, ये है कोकोनट वाला, दिस इज टमाटर चटनी खट्टा वाला, चटपट रॉकेट वाला डोसे में लगा हुआ है ये वाला। अच्छा, आलू के साथ खा के देखो, मस्त। चलो कोई बुलाओ, कोकोनट चटनी कोकोनट अच्छा है, अरे वो पैसे में जा रहा है। ये वाला सबसे मस्त होगा, टमाटर वाला चख के देख। चटपटा वही, मुझे माया को उस टाइप का पसंद है। कोकोनट वाला मस्त है, आलू थोड़ा खाते हैं, ऐसे करते करते मैं खा लूंगा। पूरा मत खा, सब लोग चखेंगे उसको, भोग है। एक ही प्लेट है बस, शेयर। साउथ इंडियन पास चल अभी तो आएंगे मेन जज, मेन जज आएंगे उधर से, मेन जज बोलेंगे, मैं भाग जाऊंगी। माया माया को बुला के बोलो, माया को बुला, माया का कोकोनट चटनी। कल माया का एग्जाम है बट माया नहीं बना रही, माया बोले मैं झाल मुड़ी बनाऊंगी, भेलपुरी दिखा दे। वाह तज, वाह। चलो मैं हनी बनी को खिला देती हूँ, फिर डोसा घटाघट बनेगा एंड फटाफट हम लोग दाबेंगे। हां ये सब एक्चुअली फ्रेश, मतलब फ्रेश फ्रेश, मुझे और नर्वस लग रहा है। हां क्या क्या भाभी का खाना बना, इतने के बाद मुझे और नर्वस लग रहा है। मैं तेरे साथ
तू बहुत लोग आसीबू नहीं घर को नहीं नहीं कल नहीं बना रही माया अभी मैं ट्राई कर रही हूँ मुझे आज तक किसी ने पूछा नहीं था कभी आपकी भाभी ने पूछा टेस्टी अंदर जो चटनी हाँ, 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 तीखा वाला अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा है चलो बाला हम का वेट नहीं करते सच में बहुत अच्छा है चटनी ये तो मैंने अपना फेवरेट वाला खाया ना टमाटर अच्छा। वाला चटपटा वाला नहीं सारे चटनी अच्छे हैं सांभर मैंने ऑलरेडी चखा लो परफेक्ट चलो मैं पास हो गई फिर पास फेल की बात ही नहीं थी पप्पू पास हो गई मतलब अपने तरफ से चलो क्योंकि मैंने इतने ज्यादा क्वांटिटी में कभी बनाया नहीं है एक्चुअली इसीलिए चलो बाय बाय ये दोनों बाकी रह गए थे बस चखने के लिए इन्होंने तो बहुत बार खाया होगा पतिदेव ने मेरे पतिदेव पहली बार खाएंगे वेरी नाइस ऑथेंटिक साउथ इंडियन डिश ना ये वाला चटनी खाओ ये टमाटर वाला और सांबर थोड़ा चखो पीनट वाली ना सांबर भी मस्त ना जबरदस्त शेफ निक्की कामयाब शेफ को बुलाया जाए शगन दो मैं अभी भी चख रहा हूँ शगन तो सॉरी नहीं की ओहो ओहो हाय इधर आओ हाँ बताओ लहसुन की चटनी बहुत जबरदस्त बनाई है लहसुन मिर्च की उनका स्वाद मुंह में कूट कूट के आ रहा है हाँ हाँ फिर बताओ बताओ अरे उनको बताओ क्या हो रहे हो अच्छा रे कोशिश कर रहा हूँ संजीव कपूर बनने की आपको आपको पसंद आया मस्त ना अगला ऑप्शन नहीं है बट नहीं जबरदस्त अच्छा बना अच्छा ना अच्छा वेरी नाइस सुपर सुपर पास तो चलिए भाया बोल रहे मैं इसको खा के और ज्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ इसको खा के और ज्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ कि वो नहीं बनाएगी और चलो डुगो चलो ब्लॉग एंड करते हैं क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा ऑलरेडी सारी रेसिपी शेयर कर दिए तो गाइस बनाइए खाइए पूरा ऑथेंटिक साउथ इंडियन खाना तो ये उसकी है पीनट चटनी पीनट चटनी हाँ और ये टमाटर वाला ये कोकोनट वाला टमाटर वाला ना मुझे पता था आपको वही पसंद आएगा चटपटा चलो बाय 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 ये तो कुछ बोलने की हालत में नहीं है बाय 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 बोलो बाय एंड चलो मैं बनाती हूँ खाओ नहीं नहीं अरे आज आप छुट्टी छुट्टी क्या आज आपकी छुट्टी चलो बाय नहीं मैं बना रही आप मुझे मना कर हाँ वही